दोस्तों फाइनली एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 वाले एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सितंबर के जो फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपका रिजल्ट है वो निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, और अभी सिर्फ जो हवलदार वाली पोस्ट है उन सभी के लिए आपका रिजल्ट आया है। अभी जो एमटीएस वाली पोस्ट है उनके लिए आपका रिजल्ट नहीं आया है। मिनिमम कट ऑफ आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यूआर के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% और ऑल अदर के लिए 20%, यानी कि इनसे कम अगर नंबर है तो वो स्टूडेंट तो सीधे सीधे ही एग्जाम से बाहर हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों कट ऑफ अब आप देख सकते हो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो टोटल इन्होंने 3015 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। सिर्फ 400 से 500 पोस्ट हैं इस बार हवलदार की उसके अंदर, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उनका जो रिजल्ट है वो रोक भी लिया गया है कुछ मेल प्रैक्टिस के कारण और कुछ की कुछ डिटेल्स के कारण। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिन स्टूडेंट का रिजल्ट रोका गया है उन सभी का यहाँ पे दिया गया है, और काफ़ी सारी जो कट ऑफ है वो इन्होंने निकाली है। कट ऑफ आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज इन्होंने कट ऑफ निकाली है। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो, काफ़ी लंबी चौड़ी इन्होंने कट ऑफ निकाली है। और अगर आप कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है, और दिल्ली से यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है 154+। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, 150 में से 154 कट ऑफ जा रही है, और अभी तो फाइनल कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो लोवेस्ट कट ऑफ यूआर की गई है 132.23। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की लोवेस्ट कट ऑफ गई है 131.42। ओबीसी की जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो भी 131.35 ही है। एससी की 123.34 है, और एसटी की जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो 123.64 है। तो दोस्तों ये सारी आपकी कट ऑफ है। इसके अलावा दोस्तों एसएससी ने एक पूरा का पूरा जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी की जो है लिस्ट भी जारी कर दी है, तो लिस्ट आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी ईजिली। इसके अलावा दोस्तों दो तीन बातें मेरे को करनी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होंगे कि सर अभी सिर्फ हवलदार वालों का रिजल्ट आया है तो एमटीएस वालों का क्यों नहीं आया या उनका कब आएगा। तो आपको पता है कि एसएससी जो क्या कर रहा है 2022 से ही ऐसा कर रहा है कि आपका जो जिन पोस्ट के अंदर ना कोई फिजिकल होता है ना कुछ उनके अंदर कोई सेकेंड पेपर होता है, उनका सिर्फ फाइनल रिजल्ट जारी करता है। तो अभी जिन स्टूडेंट का हवलदार में सिलेक्शन हुआ है उन सभी स्टूडेंट का अभी होगा फिजिकल, तो उनकी एक फिजिकल की डेट आएगी, और जब फिजिकल पास कर लेंगे तब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और उस फाइनल रिजल्ट के अंदर हवलदार और एमटीएस दोनों का ही फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि उसके बाद में फिर से कोई भी आपकी कट ऑफ जारी नहीं होगी, कोई भी आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। यही अब आगे की प्रोसेस होने वाली थी जैसा कि एसएससी ने पहले ही बताया दिया था। तो दोस्तों यही दो तीन बातें थी। तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, और इस लिस्ट के अंदर जिनका नाम है ना, जैसे 3015 स्टूडेंट हैं, तो इन सभी का तो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो ही चुका है, क्योंकि हवलदार में आपका नंबर है तो इसका मतलब एमटीएस में तो आप निश्चित रूप से हो ही हो। तो जिन भी इस लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से माने, क्योंकि यहाँ पे जो यूआर की मिनिमम कट ऑफ है वो 132.23 है, तो अभी जो कट ऑफ है वो एमटीएस के लिए इससे नीचे जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि एमटीएस की जो पोस्ट है सिर्फ हवलदार की तो पोस्ट सिर्फ 400-500 पोस्ट थी, और एमटीएस की आपको पता है कि सीजीएल दो इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी थी ना वो 12,000 से भी ऊपर थी, तो लगभग 11,500 वैकेंसीज का अभी जो रिजल्ट आना है वो बाकी है, तो कट ऑफ आपकी निश्चित रूप से कम जाएगी, अभी और भी डाउन होगी। तो जो भी स्टूडेंट हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका जो हवलदार का जो अभी मेडिकल जो होना है फिजिकल होना है, तो फिजिकल बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होती है, काफ़ी आराम से आपको करना होता है, और उसके अंदर टाइमिंग रहता है फिजिकल का, मैं आपको बता दूंगा। मैंने खुद ने हवलदार का वो किया हुआ है फिजिकल, और फिलहाल मैं हवलदार की जॉब भी कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।